नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका ए टू जेड कार सर्विस की इस वीडियो में। आज जो एक्चुअली एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि आज जो वीडियो दिखाएंगे वो हुंडई कोना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, क्योंकि अभी पूरा ऑटोमोबाइल मार्केट जो है वो ईवी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आपके साथ कुछ छोटा मोटा चीज, एक्चुअली छोटा नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा मायने रखता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी भी अगर किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में, वैसे ट्राई करना नहीं है प्रॉपर ट्रेनिंग के बिना, बट एक हल्का आइडिया बस देने की कोशिश है मेरा। जब भी इलेक्ट्रिक गाड़ी में कुछ काम होगा तो कुछ सेफ्टी आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी जैसा कि मैं इस यूनिफॉर्म में बैठा हूँ, मेरे पार्टनर इसी यूनिफॉर्म में बैठा है, बट ये जब भी कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी का काम होगा इसके लिए अलग यूनिफॉर्म, अलग इक्विपमेंट्स, टूल्स, बहुत सारा और भी चीज़ है जो आपको ध्यान में रखते हुए या वो गाइडलाइन फॉलो करके ही काम करना है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ यही शेयर करूंगा कि अगर कोई कभी भी किसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का काम होता है तो क्या क्या सेफ्टी आपको मतलब दिमाग में रखना जरूरी है और कैसे क्या काम प्रोसेस होता है, हल्का से दिखाएंगे, क्योंकि हम सभी लोग नए हैं तो हम नहीं चाहते कि एटलीस्ट वीडियो के दौरान मेरा काम में कुछ गलती हो जाए। तो दोस्तों, कोना गाड़ी के जो भी यूनिफॉर्म होगा ये कुछ इस तरह से दिखता है, और इसमें ये नॉर्मली फायर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई है, और इसमें एक बहुत ज़्यादा खासियत है इस चेन में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये चेन जो है ये अब नॉर्मल, देखिए ये ऑप्शन यहाँ तक आया है, बट ये यहाँ से थोड़ा सा ऊपर है। यहाँ से अगर कभी भी इमरजेंसी होता है, जब भी बाई चांस अगर इमरजेंसी होता है तो ये इस कंडीशन में है, ये पूरा कवर अप किया हुआ। कभी भी अगर आग वाग लगता है बाई चांस, तो इन द टाइम आपको क्या है, चेन खोलने का भी दरकार नहीं है, इसको ऐसे बस खोलिए और आप देखिए, ये देखिए, ठीक है। तो चेन आपको खोलने का भी टाइम मतलब नहीं लगेगा। तो दोस्तों, ये मेरे सेफ्टी शूज़ है, और जो कि नॉर्मल शूज़ से काफ़ी डिफरेंस है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं ये डबल ट्रायंगल का निशान लगा हुआ है। तो इसमें जो भी सारा इक्विपमेंट्स, टूल्स यूज़ होगा वो सारा सब कुछ इंसुलेटेड रहेगा, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं। मैं बस दो चार का ही दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये पूरा इंसुलेटेड है, और यहाँ तक कि इसमें जो सॉकेट यूज़ होगा वो सॉकेट भी इंसुलेटेड है, और ग्लव्स अभी तक मैंने पहना नहीं है। और ग्लव्स का भी पहले तो देखिए, ये जो ट्रायंगल वाला साइन है ना, इसका मतलब ये इलेक्ट्रिकली काम करने के लिए, ये इलेक्ट्रिक गाड़ी के लिए यूज़ होगा, तो ये साइन यही है। हर एक इक्विपमेंट से हमको ये साइन मिलेगा। तो इसका चेकिंग का एक प्रोसेस थोड़ा हाल दिखाऊँ, ठीक है। ये लीक ऐसे आपको टेस्ट कर लेना है काम, मतलब ये पहनने से पहले बस, और पकड़ो एक बार कैमरा। देखिए ये जो टूल्स है इसके अंदर में सॉकेट है एक्चुअल में, ये पूरा इंसुलेटेड पार्ट्स है, तो ये हमको इसको प्रेस करके बस लॉक हो गया। तो फाइनली गाड़ी को भी हम लिफ्ट अप कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, और इसमें जो भी रबर पैड है वो प्रॉपर होना चाहिए, लिफ्ट के जो रबर पैड है। तो फाइनली गाड़ी कुछ इस तरह से अभी दिख रहा है लिफ्ट में, जैसे कि आप देख सकते हैं, और चारों तरफ मैंने ये चेन से कवर अप किया हुआ है। देखिए इसकी एक रीज़न है, ताकि हम लोग तो सेफ्टी में है पूरा सब कुछ पहन के, बट बाकी जो भी सारा लोग हैं वर्कशॉप में, उनको भी एटलीस्ट ये देखने से ही एक इंडिकेशन मिल जाए कि ये गाड़ी ईवी कार है जिसकी सर्विस हो रहा है, और इस चेन के अंदर जाना नहीं है विदाउट एनी ट्रेनिंग और विदाउट एनी सेफ्टी प्रिकॉशन। इसी के लिए ये चारों तरफ से ये कवर अप किया हुआ है चेन से, और यहाँ पे जो मैट है नीचे में, ये लिफ्ट के नीचे गाड़ी के नीचे देखिए एक मैट है, और ये मैट भी बिल्कुल इंसुलेटेड है, और जिसकी प्रोटेक्शन मैक्सिमम 1000 वोल्ट एसी एंड 1500 वोल्ट डीसी तक ये प्रोटेक्ट कर सकता है। तो सारा चारों तरफ से इसकी सेफ्टी को बहुत ही अच्छा से ये ध्यान में रखना है, और बाकी अभी देख सकते हैं तैयारी कैसे चल रहा है। बट अभी तक मैंने अपना ग्लव व्लव नहीं पहना, और गर्मी एक्चुअली बहुत ज़्यादा लग रहा है ड्रेस में, यूनिफॉर्म में। तो चलिए बाकी जो प्रोसेस है ये आगे देखते हैं कितना हम दिखा पाते हैं, क्योंकि ग्लव्स पहनने के बाद ये कैमरा पकड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अब थोड़ा सा फोटोशूट चल रहा है, क्योंकि फेसबुक और इंस्टाग्राम इसका भी ख्याल रखना है, तो उसमें ये फ़ोटो डालने के लिए बहुत ज़रूरी है कभी कभी फ़ोटो उठाना भी।
तो दोस्तों ईवी गाड़ी की हुड खोलने पे आपको इंजन के जगह कुछ इस तरह से दिखेगा, जैसे कि ईवी लिखा हुआ बेजिंग आपको दिख रहा है, और ये प्लास्टिक कवर हटाने के बाद इसके नीचे ये इसकी मेन मोटर लगा हुआ है, बाकी बहुत सारा पार्ट्स है। इसके बाद चार्ज का कुछ, जैसा कि एसी टू डीसी करने का जगह, ये माउंटिंग है, और भी बहुत सारा पार्ट्स है। इसके डिटेल में अगर जाएंगे तो पूरा रात हो जाएगा, बट मेन देखिए यहाँ पे जो ये ऑरेंज कलर की वायर दिख रहा है, ये इसकी हाई वोल्टेज लाइन है, और इसके साथ साथ ये हाई वोल्टेज लाइन थ्रू ये इसकी चार्जिंग अडेप्टर पोर्ट है, जहाँ पे आप चार्ज जो केबल या सॉकेट रहता है चार्ज देने का, वो यहाँ पे डालने पड़ता है। और यहाँ पे भी एक, इस गाड़ी में भी एक ऑक्सिलरी बैटरी रहता है जो कि मेन बैटरी को ऑन करता है। ये ऑक्सिलरी बैटरी है, और मेन बैटरी में हम आपको दिखाएंगे ये नीचे में, बाकी कुछ इस तरह से ये नॉर्मल इसमें कूलेंट भी यूज़ होता है गाड़ी में बैटरी को ठंडा करने के लिए। तो दोस्तों फाइनली अभी देख सकते हैं गाड़ी के नीचे जो मेन बैटरी है वो कुछ इस तरह से इस कंडीशन में लगा हुआ रहता है, और इसके नीचे बहुत सारा कनेक्शन भी ये बैटरी के साथ कनेक्टेड है, कूलेंट की लाइन, हाई वोल्टेज लाइन, और बाकी सारा वायर कपलर। और इसमें देखिए मेन ये कवर खोलने के बाद ही हमें ये सारा सब कुछ दिखने को मिला है, क्योंकि सर्विस में मुझे चेक करना है कि यहाँ से कुछ भी कूलेंट लीकेज हो रहा है कि नहीं, जो कूलेंट बैटरी को मेनली ठंडा करता है। जब भी गाड़ी चलता है या फिर चार्ज देते हैं आप, तो बैटरी हीटअप होता है, उसके लिए ये बैटरी ठंडा करने के लिए कूलेंट का यूज़ होता है। और ये जो आप देख सकते हैं ये मेनली ऑरेंज कलर का, ये हाई वोल्टेज की मेन लाइन है, बाकी ये सब जो सस्पेंशन के सिस्टम, ब्रेक डिस्क एक्सेल, ये जो भी सारा है ये बाकी गाड़ी की तरह नॉर्मल ही है, बट हाँ इसकी क्वालिटी अच्छा खासा क्वालिटी है। जैसा कि ये जो लोअर आर्म आप देख सकते हैं, इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छा क्वालिटी का मुझे लग रहा है, और ये बाकी सारा सब कुछ जो है कुछ इस तरह से नॉर्मल ही है। बट जो कि सर्विस में आपको एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना है कि बैटरी के नीचे कहीं पर भी कुछ भी चोट निशान कुछ है या नहीं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप कुछ हल्का सा स्क्रैचेस हमको दिख रहा है, और ये फोकस करने के देखिए ये स्क्रैचेस ही है, वैसे डरने की कोई बात नहीं, ये छोटे मोटे स्क्रैचेस से, क्योंकि ये जो पूरा ये प्लेट लगा हुआ है ताकि मेन बैटरी डैमेज ना हो, इसके नीचे पूरा ये कवर जो है ये प्लेट लगा हुआ है ताकि बैटरी कहीं पर भी कुछ डैमेज ना हो किसी तरह से। ये मेन बैटरी है, इसी के अंदर बैटरी है बट नीचे प्लेट है, और ये कंप्लीट पूरा बैटरी आप देख सकते हैं। पीछे ये ईपीबी इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिलता है इसमें, जो इस तरह से दिखता है। बाकी सस्पेंशन जो कि है आप देख ही सकते हैं, ये नॉर्मल गाड़ियों में ये सेम ऐसा ही रहता है। तो आई होप कि आपको नीचे ये अंडर चेसिस क्या है ये लगभग एक आइडिया मिला होगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है, तो मैं बेसिकली ऐसे ही प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम गाड़ी मिलता है आपको, तो वीडियो आपको तो दिखाता हूँ। चैनल का नाम है न्यू जनरेशन कार सर्विस। अगर वीडियो अच्छे लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों।